जात पात, जात पात या जाति और पतन, ये जो जाति शब्द है और जात शब्द है, इसकी व्याख्या, इसकी जो आख्या है या सुवाख्या है या क्यों या कु व्याख्या है, ये अभी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि धम्म को भगवान बुद्ध की तरह से सोचना और समझने में बड़ी दिक्कत आती है। भगवान बुद्ध तो ना राइट थे ना लेफ्ट थे, वो तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यानी कि मनुष्य के कल्याण के सारे काम करते थे। मगर लोग जब व्याख्या करते हैं तो कहीं कुव्याख्या हो जाती है, कहीं सुव्याख्या हो जाती है, अपना उसमें कुछ मिला दिया, अपना कुछ लालच तो उसकी कुव्याख्या हो गई, और अगर बहुत ज्यादा इसको करुणा में ही करने चले तो सुव्याख्या हो गई, कह रहा हमारा किसी को लेन देन नहीं है। मगर ना कुव्याख्या की जरूरत है ना सुव्याख्या की जरूरत है, यहां सिर्फ व्याख्या की जरूरत है। जो जात पात शब्द है, मैंने एक पोस्ट देखी, उस पोस्ट में दो शब्द आते हैं, एक आता है जाति जाति थद और एक आता है धन थद। जो थद शब्द है इसको थद बोलते हैं, थद का माने होता है कठोरता, या कहते हैं जड़ी भूत, यानी कि बिल्कुल कठोर। थद माने जड़ होता है, एक तरह से जड़ी भूत या कठोर। और जाति का मतलब उसने जो लिया हुआ है, जो व्याख्या की हुई है, जाति का मतलब जो आजकल लोग भारत में जाति जाति करके खेलते हैं, जातिवाद, जो जाति जाति करके एक दूसरे को नीचा या ऊंचा दिखाते हैं, या जाति जाति करके एक दूसरे का मान या सम्मान करते हैं, या जाति का झगड़ा करते हैं, वो वाली जाति। मगर भगवान बुद्ध की जो व्याख्या है वो उस वाली जाति में नहीं है, जो जाति यहाँ भारत के अंदर लोग खेल रहे हैं जातिवाद करके, जाति जाति करके। भगवान बुद्ध ने जो ये शब्द दिया है जाति थद, जाति थद का मतलब, क्योंकि लोग समझते हैं थद का मतलब अभिमान है, अभिमान नहीं है, जाति थद का मतलब है जन्म की कठोरता या दृढ़ता। अब जन्म की कठोरता और दृढ़ता क्या है और कैसे है, इसको समझे पहले, क्योंकि जात और जाति का जो मतलब है पूरे बुद्ध के समय में, मतलब है जन्म से, उत्पत्ति होने से, पैदा होने से। जात और उत्पत्ति का सिर्फ एक ही मतलब है, पैदा होना, उत्पन्न होना, और वो कुछ भी चीज पैदा हो सकती है, कुछ भी चीज उत्पन्न हो सकती है, वो मनुष्य भी हो सकता है, वो प्राणी भी हो सकता है, और कोई अगर आप नई चीज पैदा करते हैं तो उसको भी कह सकते हैं कि ये इसका जात दिवस है, यानी इस दिन इसको पैदा हुआ, या जाति दिवस है, यानी इस दिन ये पैदा हुई बनी। तो सबसे पहले ये समझे, क्योंकि जब भगवान बुद्ध कहते हैं जाति दुखा जरा दुखा व्याधि दुखा मरण दुखा, तो वो कहते हैं जाति दुखा मतलब जन्म दुख है, और फिर वो कहते हैं व्याधि दुखा यानी बीमारी दुख है, फिर वो कहते हैं कि जरा दुखा यानी बुढ़ापा दुख है, और फिर कहते हैं मरण दुखा यानी मरना भी दुख है। तो जाति में यहां ये जात नहीं आती है, भगवान बुद्ध के समय में कोई जाति सिस्टम नहीं था, वर्ण भी सिर्फ दो ही थे, जिसको बार बार बोलते हैं समणा और एक वमणा। समणा मतलब यहाँ के लोग, और वमणा मतलब जो वही लोग हैं, वही मन वाले बाहर वाले लोग हैं, उनके लिए बोला है। तो दो ही तरह के यहाँ वर्ण थे, यानी एक अवर्ण था और एक सुवर्ण था। सुवर्ण का मतलब है कि जो यहाँ के काले लोग थे, और अवर्ण का मतलब है, वर्ण माने रंग होता है, तो वर्ण का मतलब जिसमें रंग ना हो, यानी अवर्ण बिना रंग का, यानी सफेद लोग जो बाहर से आए। तो रंग भी दो थे, वर्ण भी दो थे। तो भगवान बुद्ध का जो जाति है, जाति से मतलब उत्पन्न होना जन्म है। वो अगले सेंटेंस में एक बार और क्या कहते हैं, जब वो सबसे पहले जब उनको बोधि ज्ञान प्राप्त होता है पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो क्या कहते हैं, अनेक जाति संसारंग, अनेक जाति संसारंग। भाई अनेक जाति संसारंग का मतलब क्या, दुनिया में क्या अनेक जाति है, अनेक जाति का मतलब जैसा भारत में जाति चलती है ऐसी है क्या, जैसे भारत में 6,743 जातियां ऐसी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं, दुनिया में तो और कहीं जाति सिस्टम है नहीं। और संसार का मतलब भी यहाँ वर्ड और दुनिया नहीं है, संसार का मतलब है से माने निज और सार माने अपना जो तत्व होता है, यानी स्वयं का तत्व, यानी कि मैं, यानी शरीर। तो वो कहते हैं अनेक जाति संसारंग, यानी कि अनेक बहुत सारी जाति हैं, जाति का मतलब जन्म है, उत्पत्ति है, बहुत सारी उत्पत्ति है संसारंग माने इस शरीर के अंदर, यानी ये जो शरीर है अचानक नहीं बना हुआ है, ये शरीर एक सेल से, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, छोटा जानवर, बड़ा जानवर, बड़ा जानवर, छोटा सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर, यानी एक वायरस से लेके और जो मनुष्य यहां तक बना है, अरबों खरबों इसके उत्पत्तियों में हुआ है, अरबों खरबों बार ये डिस्ट्रॉय हुआ, फिर बना है इसका सॉफ्टवेयर, फिर इसका हार्डवेयर, यानी बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। वो उन्होंने देख लिया, वो समझ लिया, वो जान लिया, वो अनुभव से पहचान लिया कि मैं एक बार में नहीं बना हूं, करोड़ों अरबों जन्म है इसके, तो करोड़ों अरबों बार उत्पत्ति हुई है।
तो यहाँ जाति और जन्म का मतलब, जब हम ये कहते हैं कि जात पात, तो जात पात का मतलब है जात माने जन्म और पात माने गिरना यानी पतन होना, तो जन्म होना और गिरना यानी जन्म और मृत्यु। जात पात का मतलब है उत्पत्ति और गिरना यानी खत्म होना, जन्म होना या मरना, जन्म मरण। तो जन्म मरण को जात पात भी बोलते हैं, कहते हैं इसका तो पतन हो गया, ये तो पतित है, ये तो इसका पतन हो गया। तो ये जो शब्द है जात पात दोनों साथ चलते हैं, यानी जन्म भी है और मरण भी है। जन्म मरण साथ चलता है, पुराने समय में जात पात साथ चलता है। पात बाद में बना है, पहले पातु बोलते थे, पातु या पातन। पातु और पातन दोनों ही का मतलब गिरना होता है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो शब्द हैं वो जाति से पुराने समय में मैच करते हैं और मिलते हैं, इसलिए जाति को भूल के भी, जो भगवान बुद्ध की जाति अगर कहीं आती है पाली के अंदर, तो उसको भूल के भी जो 6700 जातियां उससे संबंधित नहीं है, इसको अपने दिमाग में क्लियर करें बिल्कुल। और कोई ये कहता है कि सुमित भंगी के नाम से उसमें कुछ लिटरेचर है या उपाली नाई के नाम से लिटरेचर है, तो 6743 जातियां हैं बस, और कहीं नहीं है। और नाई और भंगी जो शब्द है, भंगी का तो मैंने सुमित, जो सुमित भंगी है उसका तो मैंने क्लियर आपको बताया है, और नाई उस समय जो बोलते थे वो अलग क्रिया हो सकती है, मगर नाई का मतलब ये नहीं है कि कोई बाल बनाने वाली बार्बर की दुकान है, उस तरह भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो तांबा आया होगा वहां, और तांबे से पहले कैसा नाई और काय का नाई और कौन बाल बनाने वाला, कोई खास बाल, क्योंकि सभी अपने अपने बाल खुद काटते थे। भगवान बुद्ध ने भी अपने बाल खुद काटे जब उन्होंने घर के बाहर आके निकल के अपनी दिखा जब उनकी हुई और बाहर आए तो जंगल में आके उन्होंने खुद अपने बाल अपने आप काटे हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें इनको भूल जाइए, क्योंकि साहित्य में बहुत सारी चीजें समय के अनुसार घालमेल हो जाती हैं, प्योर उसको निकाल लीजिए तो आपको फायदा होगा। तो सुनिए जाती है कितने सारे शब्द पाली के अंदर हैं। जात माने उत्पन्न होना, घटित होना। जात माने संग्रह भी है और प्रकार भी है। जात दिवस का मतलब है जन्मदिन, जन्मदिन को बोलते हैं जात दिवस यानी उत्पत्ति दिन, जिस दिन आप, तो आप जन्मदिन मनाते हैं, जात दिवस मनाते हैं, जाति दिवस मनाने हैं, आप इसको बोलिए कि मेरा जात दिवस है, मेरा जाति दिवस है। पिछली बार मैंने खास तौर से एक पोस्ट डाली थी अपने बर्थडे पे कि आज मेरा जात दिवस है, 5 जुलाई को फिर मेरा जाति दिवस है, जात दिवस है। आप अगर मुझे शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, विशेष गुड विशेष देना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पे लिखिए आपको जाति दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हैप्पी जाति दिवस या हैप्पी जात दिवस, ये आप लिखिए, तो इससे आपको क्लियर होगा कि मेरा जाति दिवस है 5 तारीख को, जन्म दिवस है मेरा। ये कोई जाति वैसी नहीं है जो लोगों ने वैसी हवा में बनाई हुई है। फिर देखिए जात रूप, जात रूप का मतलब है कि जात माने जन्म होना, उत्पन्न होना, रूप माने होता है शरीर, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर को कहते हैं जात रूप। कैसा होता है वो, लगभग ऐसा होता है सुनहरे जैसा होता है, क्योंकि भारत के लोग काले होते हैं तो बच्चा लगभग सुनहरा होता है, बच्चा पेट में रहता है तो सनलाइट नहीं पहुंचती तो वो काला नहीं होता, सुनहरा होता है, तो उसको जात रूप बोलते हैं। जात रूप, इसी रूप से बाद में सोने को मैच किया गया, इसी रूप से बाद में गेहूं को मैच किया गया, और इसी रूप से यानी इसी रंग से बाद में जो ढलता हुआ या उगता हुआ सूरज है जो सोने जैसा होता है, तो इन तीनों सबको, और इसी को सुवर्ण बोलते हैं। सुवर्ण माने जो अच्छा रंग है, गहरा रंग है, वर्ण माने रंग होता है। तो जात रूप का मतलब है सोने जैसा, गेहूं जैसा, या उगते और उसके जो सूरज है उगता हुआ या ढलता हुआ उसके रंग जैसा, और हिरण जैसा भी, सुवर्ण भी बोलते हैं इसको, यानी कि हिरण जैसा रंग भी होता है। फिर आता है जात वेद, वेद माने वेदनाएं होती हैं, और जात माने उत्पत्ति। उत्पत्ति की जो वेदनाएं होती हैं बड़ी तीव्र होती हैं, अग्नि वाली होती हैं। किसी माता से पूछिए, किसी जानवर से पूछिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी कैसी वेदनाएं आती हैं, क्योंकि मैं तो माता हूं नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इसमें लिखा हुआ है कि अग्नि जैसी होती हैं, आग जलती है शरीर में, ऐसी वेदनाएं होती हैं। तो जात वेद को अग्नि वाली वेदनाएं बोलते हैं। फिर आता है जातिक खे, जातिक का मतलब है जाति का खे यानी जन्म का खे। ये बार बार आएगा जब भी भगवान बुद्ध से बताएंगे, यानी कि जन्म का खे, उन्होंने तो अपने जन्म का खे किया था, जन्म का क्षय किया था, जाति का क्षय किया था, फिर वो दोबारा उत्पत्ति उनकी नहीं हुई, उन्होंने अपनी उत्पत्ति टर्मिनेट कर दी, खत्म कर दी। जातिद्ध, जातिद्ध का मतलब है जात का जो इद्ध माने कठोरता, यानी जो जाति के जन्म की जो कठोरता है, जन्म से जो कठोर होता है उसको जातिद्ध बोलते हैं। कोई कह सकता है ये तो जन्म से, यानी जन्म से ही बड़ा दृढ़ है, जातिद्ध है, जातद्ध है, तो जन्म से कठोर का मतलब है दृढ़ निश्चय वाला है, इसका मतलब जाति का अभिमान नहीं है। ये आज की जाति के अभिमान के रूप में इसको लेते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। फिर आता है जाति निरोध या जाति निरोधा, निरोधा का मतलब होता है 100% टर्मिनेशन, यानी कि जन्म की उत्पत्ति पूरी तरह से खत्म करनी, जैसे भगवान बुद्ध ने की, जैसे अर्थ लोग करते हैं, फिर उनका अगला जन्म नहीं होता,
नेक्स्ट बर्थ नहीं होता, इसको जाति निरोधा बोलते हैं, यानी कि जन्म ही खत्म हो गया, आगे अब जन्म ही नहीं होगा। वो जो अनेक जाति संसार में होती हैं, बहुत सारी जो जन्म होते हैं वो खत्म कर दिए, ये बुद्ध ने डेवलप किया, ये बुद्ध ने सिखाया, और ये बुद्ध ने खुद भी अपना जन्म को टर्मिनेट किया, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, एनिहिलेट कर दिया। फिर आता है जाति फल। जाति फल का मतलब होता है कि जो आपने कर्म किया है जीवन में जन्म का, उसका फल कैसा है, वो कैसा फल प्राप्त होगा। फिर आता है जाति मंतु, यानी जो जाति वाला यानी जंतु बोलते हैं उसको। और एक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है जातिवाद। जातिवाद को तो आज के समय में हम ये समझ लेते हैं कि जाति जाति खेल रहे हैं आपस में, जाति की क्या ऊंच क्या नीच है, इसको जातिवाद बोलते हैं। पुराने समय में जातिवाद का मतलब ये नहीं था, पुराने समय बुद्ध के समय में था, जातिवाद का मतलब था जो जन्म के सिद्धांत हैं, यानी कि जिन सिद्धांतों के तहत में जन्म होता है व्यक्ति का, जिन सिद्धांतों से जन्म चलता है, जिन सिद्धांतों से जन्म आता है और जाता है, बार बार जन्म होता है, उसको जातिवाद कहा है। जातिवाद बहुत बड़ा शब्द है, उत्पत्ति यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को जातिवाद उन्होंने कहा है। फिर आता है जाति संपन्न, यानी कि जो जाति से स्वयं निज पूर्ण हो, जिसको जन्म से पूर्ण हो, जन्म जिसको अच्छी तरह से सफल जन्म हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, उसको जाति संपन्न बोलते हैं। और फिर आता है जाति सर और जाति सुमना। जाति सुमना मतलब जिसका जन्म से उत्पत्ति से सुमन है, अच्छा मन है। और जाति सर का मतलब है जो जाति से सती जो अवस्था है उसमें रहता है, सती पठान में रहता है। जाति सर का मतलब है जन्म से ही सती अवस्था में रहता है, भगवान बुद्ध की देशना में रहता है, कहता है ये तो जन्म से ही बहुत ज्यादा सती है, बहुत ज्यादा धर्म का पालन करता है, उसको जाति सर बोलते हैं। तो जात के यहाँ, जाति के यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, इसके अलावा और भी पाली में आते जाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट करें कि आपका जब जन्मदिन आता है तो उसको आप लिखें जाति दिवस, जात दिवस। जब हमारे महापुरुष का किसी का बर्थडे आता है, भगवान बुद्ध का आता है, या बाबा साहब अम्बेडकर का आता है, या ज्योतिबा फुले का आता है, या सम्राट अशोक का आता है, या चंद्रगुप्त मौर्य का आता है, या साहू जी महाराज का आता है, तो आप उस पे जन्म दिवस की बजाय लिखें जात दिवस, जाति दिवस, फिर आपको क्लियर होगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.